हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ। आज हम लोग बेहतरीन इंट्राडे स्ट्रेटजी देखने वाले हैं कि जहां पे आपका एक्यूरेसी 90% प्लस होगा, रेदर देन एक्यूरेसी जो माइंड की फ्लक्चुएशन स्टेज होती है वो खत्म हो जाएगी। मतलब आज हम लोग रेंको स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। यहां पे आपको दिख रहा है कि एक डबल स्क्रीन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। फर्स्ट इसमें मैंने नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न रखा है कि जहां पे एक रेड एक ग्रीन, तो कंफ्यूजन होता है कि कहां पे मुझे बाय करना है, कहां पे सेल करना है। यही चार्ट आप यहां पे देखोगे, दिस इज अ रेंको चार्ट। कि रेंको चार्ट में एक स्मूथ आपको एक रैली दिखाई देगी, एक स्मूथ डाउनफॉल दिखाई देगा, जो आपको यहाँ पे एक रेड ग्रीन पैटर्न में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, रेंको स्ट्रेटजी इंट्राडे की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है जो बिगिनर ट्रेडर को मस्ट अप्लाई करनी चाहिए। तो ज्यादा टाइम ना बिताते हुए हम लोग डायरेक्टली स्ट्रेटजी पे जाते हैं। फ्रेंड्स, एक ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ ब्रोकर। आप जीरोधा भी यूज कर सकते हो। जीरोधा में अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। अब क्या करोगे, यहाँ पे चार्ट के बाजू में कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, वहां पे क्लिक करोगे। यहाँ पे डाउन साइड में आप जाओगे तो बहुत सारे पैटर्न्स है। हर एक पैटर्न्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर्स में। यहाँ पे आप डाउन साइड करोगे तो यहाँ पे रेंको आपको दिख रहा है, रेंको पे क्लिक करना है। ऐसे आप रेंको पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्रिक साइज के कैंडल्स आ जाएंगे। रेंको मतलब ब्रिक, ईटे जो होती है उस साइज का कैंडल यहाँ पे बनता है, इसके लिए इसको रेंको चार्ट्स बोलते हैं। इसका सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने इसका सेटिंग मिस कर दिया तो आपके लॉसेस तय है। तो सेटिंग में क्या करना है आपको, यहाँ पे ट्रेडिशनल रखना है इंस्टेड ऑफ ATR। ATR होता है एवरेज ट्रू रेंज, बट एवरेज ट्रू रेंज में हमेशा फ्लक्चुएशन होता है, तो रादर देन हम लोग ट्रेडिशनल रखेंगे। तो ये सेटिंग कैसे करना है, जस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है रेंको, उसके यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे तीन डॉट दिख रहा है, तीन डॉट पे आप क्लिक करने के बाद डाउन साइड में आपको सेटिंग दिखेगा, सेटिंग पे क्लिक करो। तो ये दो चेंजेस करने हैं हमने, ट्रेडिशनल और ये 50 रखना है। यहाँ पे वीक जो भी कुछ है उसको अनटिक कर दो, मुझे वीक नहीं चाहिए यहाँ पे, तो ये अनटिक कर दो। अनटिक के बाद यहाँ पे ओके कर दो। तो ये हमारा चार्ट रेडी हो गया है। सेकंड क्वेश्चन जो भी पूछा था, सर टाइम फ्रेम क्या रखे, यहां पे मैं एक बता दूं, यहां पे मैंने ये 50 पॉइंट्स का रखा है, वन ब्रिक साइज। मतलब जब तक ये 50 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में मोमेंटम नहीं आ जाता, तब तक ये कैंडल प्रिंट नहीं होगा। तो यहां पे टाइम से कुछ लेना देना नहीं होता। अगर आप ATR यूज कर रहे हो तो वहां पर टाइम लिमिट होता है, बट अपने पास ट्रेडिशनल रखा है तो भी आपके कन्वीनियंट के लिए आप इंट्राडे के लिए 3 मिनट्स या 5 मिनट्स टाइम फ्रेम यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारा रेंको का सेटिंग हो गया है। तो अभी यहाँ पे देखना क्या है, रेंको में देखो ग्रीन बार्स जैसे बनते जाएंगे, जब भी मोमेंटम आएगा तो बीच में सारे ग्रीन 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 ही ब्रिक्स आपको दिखेंगे। अगर मार्केट गिर रहा है तो आपको रेड वाले बार्स ही दिखाई देंगे। बहुत रेयरली ऐसे होता है कि एक रेड एक ग्रीन, दिस इज कॉल्ड एज साइडवेज एक्शंस गोइंग ऑन। दिस टाइप का स्ट्रक्चर जब भी बनता है तभी वो भी आप इजीली रिमूव कर सकते हो बाय यूजिंग टू डिफरेंट इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर के लिए क्या करना है, अगेन इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहां पे टाइप करना है सुपर ट्रेंड। और एक टाइप करना है ऑसम ऑसिलेटर, this one। So friend, ये दो इंडिकेटर यूज कैसे करने हैं वो पहले देखते हैं। एक सुपर ट्रेंड तो काफी आसान इंडिकेटर है कि जो आपको सेल एंड बाय का एंट्री ऑटोमेटिकली बताता है। सुपर ट्रेंड में आपको सेटिंग में जाके कुछ भी नहीं करना है, जैसे नॉर्मल सुपर ट्रेंड है विद द टाइम पीरियड ऑफ 10.3 उसका यू आपको रखना है। जहां पे बाय बोला हम लोग बाय करते हैं, जहां पे सेल बोला है वहां पे सेल करते हैं। सेकेंड है ऑसम ऑसिलेटर, ये काफी बेहतरीन इंडिकेटर है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक बार साइज बन रहा है, अगर लोअर साइड मतलब ये जीरो लाइन के नीचे अगर बार बन रहा है तो दिस इज अ डाउन ट्रेंड विथ नेगेटिव, मतलब यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना होता है। अगर यहाँ पे तीन बार बन रहे हैं इसका मतलब मुझे बाय करना होता है, बट ये लोअर साइड है तो इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है, बट ये जैसे ही ऊपर आ जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश बन जाता है। मतलब जैसे आपने यहाँ पे शॉर्ट किया तो यहाँ पे आप शॉर्ट बुक कर सकते हो और यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हो। सेम अपर साइड में भी जब ये लोअर टू अपर ग्रीन ब्रिक आते हैं तो ये बुलिश हो जाता है। तो ये ऑसम ऑसिलेटर का कमाल है। फ्रेंड्स, एंड तक बने रहिए, अभी हम एक्चुअल स्ट्रेटजी पे आएंगे। ये स्ट्रेटजी
आपके लाइफ चेंज कर सकता है, और इसको नेक्स्ट 30 ट्रेडिंग डेज तक यूज कीजिए एक लॉट में ट्रेडिंग करते हुए। कैसे करना है, पहले हम बुलिश का सिग्नल देखेंगे, बाद में बेरिश का देखेंगे, एंड थर्ड साइडवेज एक्शन कैसे इग्नोर करना है वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा बुलिश, मतलब सी बाय करना है, कॉल बाय करना है। ऑलवेज यू प्रीफर एटीएम एट द मनी, मतलब जो प्राइस चल रहा है वो स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऑप्शन बाय करना। लेटर से पहले हम बाय का सिग्नल देखते हैं। अगर मुझे बाय का सिग्नल आना है तो पहला मेरा कंडीशन है सुपर ट्रेंड में बाय होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला यू कैन यूज 3 मिनट्स और 5 मिनट्स, दिस इज अ इंट्राडे स्ट्रेटजी, यू कैन यूज फॉर द पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, उसके सेटिंग डिफरेंट होता है, वो आगे आने वाले पार्ट 2 में हम देखेंगे। सेकेंड जो भी कुछ है ऑसम ऑसिलेटर जो भी कुछ है वो आपका बाय में होना चाहिए, मतलब बार जो भी कुछ है वो ग्रीन होने चाहिए। एंड थर्ड जो भी कुछ है रेनको, रेनको ग्रीन बार होना चाहिए मेरा, मतलब जो ब्रिक साइज है वो ग्रीन में होना चाहिए, दैट इज माय कंडीशन। ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो ही मैं बाय करूंगा। मतलब रेनको में भी मैंने कंडीशंस दे दी तो मेरे मेजोरिटी कॉल्स जो भी कुछ है वो फिल्टर होके मुझे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे बाय सिग्नल मिला है, ये कैंडल पे जो ब्रिक पे मुझे बाय मिला है उसका हाई जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है, तो उसका हाई जाने के बाद मैं एंट्री लूंगा, दिस विल बी माय एंट्री। वो ब्रिक का जहां पे मुझे बाय दिया उसका लोअर मतलब मेरा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे ऑप्शन में आपका स्टॉप लॉस मिनिमम 50 पॉइंट्स का तो रहेगा, बट टारगेट आप 1:2, 1:3 भी लेके जा सकते हो, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कभी कभी आपको 1:10 का भी टारगेट मिलेगा। तो यहाँ पे बाय है, यहाँ पे एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है। एट द सेम टाइम बाय के पास मुझे देखना है कि ऑसम ऑसिलेटर में ग्रीन बार हुआ है क्या, आफ्टर रेड के बाद ग्रीन बार हुआ है तो ये मेरा परफेक्ट एंट्री हो सकता है। और कब तक एग्जिट नहीं करना है, जब तक मेरा सुपर ट्रेंड मुझे सेल का सिग्नल ना दे या ऑसम ऑसिलेटर से मुझे कुछ इंडिकेटर ना आ जाए। वो कैसे, मतलब यहां पे अगर मैंने बाय किया तो जब तक ऑसम ऑसिलेटर मुझे रेड का सिग्नल नहीं देता, यहां पे देखो, यहां पे मतलब बीच बीच में रेड ब्रिक्स आएंगे बट डरना नहीं है, जब तक ऑसम ऑसिलेटर कंटिन्यूस टू रेड वाले बार नहीं बताता तब तक, तो यहां पे कहां पे तो एग्जिट करेंगे हम। मतलब हमारा एंट्री था 44,000 पे और हमने एग्जिट किया 44,350 पे, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का रैली। आपको छोटे छोटे ब्रिक दिख रहे बट एक ब्रिक वहां पे 50 पॉइंट्स का है, तो दिस विल गिव द रॉकेट प्रॉफिट। सेम चार्ट में, दिस इज 10th अक्टूबर का चार्ट, आप देख सकते हो यहां पे कहां पे तो रेनको के यहां पे बाय सिग्नल है, दैट इज अराउंड 44,000 के यहां पे। अगेन स्टॉप लॉस आपका वही कैंडल का लो या प्रीवियस कैंडल का लो ले सकते हो। ऑसम ऑसिलेटर ने मेरा बाय सिग्नल दिया, सुपर ट्रेंड ने बाय है, एंड दिस विल बी द रॉकेट। यही कंसेप्ट यूज करके हमने हमारे पेड ग्रुप में कॉल बाय ऑप्शन दिया था। सेम स्ट्रेटजी निफ्टी में भी आप यूज कर सकते हो विद द ब्रिक साइज ऑफ 25। एंड देखो ये टेलीग्राम का कॉल रॉकेट, एंड क्लाइंट्स ने रॉकेट बम्पर प्रॉफिट बुक किए हुए। फ्रेंड्स अभी शॉर्ट साइड देखते हैं, मतलब मुझे सेल करना है, सेल करना है मतलब मुझे पुट का ट्रेड अगर लेना है तो मेरे 3 कंडीशन मैच होने चाहिए। फर्स्ट मतलब सुपर ट्रेंड मेरा सेल में होना चाहिए, सेकेंड ऑसम ऑसिलेटर मेरा रेड ब्रिक होना चाहिए, थर्ड मतलब रेनको भी मेरा रेड बॉक्स साइज होना चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर कैंडल पे मेरा ऑल 3 कंडीशन मैच होता है कि नहीं, मेरा रेनको मेरा रेड में, इसके नीचे जाने के बाद मुझे शॉर्ट करना है, शॉर्ट मतलब पी बाय करना है। पी बाय करना है मतलब यहां पे जो भी कुछ मेरी वैल्यू है दैट इज 44,650 चल रहा है, तो मैं 44,700 का पुट पी बाय करके चलूंगा। यहां पे आप देख सकते हो कि ऑसम ऑसिलेटर ने भी रेड ब्रिक दे दिया है मुझे, एंड सुपर ट्रेंड भी मेरा रेड है, एंड उसके बाद मैं बने रहूंगा। यहां पे आप देख सकते हो एक ग्रीन वाला कैंडल आया है, मे बी ये गैप अप हो सकता है बट आपको एग्जिट नहीं करना है क्योंकि ऑसम ऑसिलेटर मेरा अभी भी रेड है। तो ऐसे बीच बीच में रेड से ग्रीन, ग्रीन से रेड फ्लक्चुएशन हो सकता है बट कंडीशन जब तक नहीं मैच होता तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। एंड बाद में देख सकते हो क्या रॉकेट ये अप्रोक्सीमेटली 44,000 तक आ गया था, मतलब आपका 700 पॉइंट्स का
डाउनफॉल यहां पे आ गया। मैंने ये नहीं बोला कि आपने पूरा 700 पॉइंट्स कैचअप किया, बट 1:3 तो मिनिमम आपको इजीली मिल जाएगा। तो दीज आर द टू कंडीशंस बाय और सेल करने के लिए। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि यहां पे भी फेक ट्रेड नहीं आते। फेक ट्रेड कभी आएगा जब ये मार्केट साइडवेज रहेगा, मतलब कंटिन्यू सुपर ट्रेंड आपका बाय सेल दे रहा है, और ऑसम ऑसिलेटर के जो भी कुछ साइज है, ये ब्रिक साइज देखो, ये छोटे बनने लगते हैं, तभी आपको समझना है कि ये मार्केट साइडवेज मार्केट है। तो ये स्ट्रैटेजी साइडवेज मार्केट में आपको अप्लाई नहीं करना है। बस ये दो फिल्टर का क्राइटेरिया आप अगर रखोगे तो रेनको स्ट्रैटेजी विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। इनिशियली इसको मोमेंटम स्टॉक्स में अप्लाई करो, क्योंकि रेनको के लिए मोमेंटम होना बहुत जरूरी है। मोमेंटम मतलब जहां पे आपको काफी अच्छा कम टाइम में प्राइस का मोमेंटम बड़े साइज में दिखता है, तो निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, फिन निफ्टी हुआ, सेंसेक्स हुआ, या अगर आपको स्टॉक्स में अगर करना है तो टाइटन है, अपोलो हॉस्पिटल है, रिलायंस है, एशियन पेंट है, तो ऐसे बड़े स्टॉक्स में आप ये अप्लाई करो, यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। बट सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो मतलब इंट्राडे में आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में इसको अप्लाई करके देखो। आप इसको कंटिन्यू 30 डेज ट्रेडिंग डेज में अप्लाई करो, देखो कैसा इफेक्ट आता है। फिर इसका मैं पार्ट टू लॉन्च करूंगा, इसके जब भी मिनिमम 10,000 व्यूअर्स हो जाएंगे ये वीडियो के और 1,000 लाइक्स जब भी मिलेंगे तभी मैं पार्ट टू लॉन्च करूंगा। एंड इसका पार्ट टू बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, और फिल्टर क्राइटेरिया वहां पे मैं लॉन्च करूंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पैटर्न्स कैसे देखने, रेनको में भी पैटर्न्स होते हैं, वो पार्ट टू में हम लोग देखेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।